नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मोतिहारी के चकिया में पेड़ लगाने तथा खेलों को लेकर जागरूकता फैलाने सा संदेश लेकर द्वारका से निकले साइकिल सवार युवाओं का दल शुक्रवार को चकिया पहुंचा। साइकिल यात्रा दल के सदस्यों ने स्थानीय एनएच स्थित बंझूला चौक पर बातचीत के दौरान अपनी यात्रा और उद्देश्यों पर विस्तृत चर्चा की। यात्रा दल को सदस्य रविंद्र तरारे ने बताया कि हमारा उद्देश्य लोगों को पेड़ लगाने तथा खेलों को जिंदगी का हिस्सा बनाने पर जोर देने का संदेश लेकर हम यात्रा पर निकले हैं। हमारी यात्रा द्वारका से शुरू हुई है, जो अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में 3900 किलोमीटर का सफर तय कर 13 फरवरी को पूरी होगी। यह साइकिल यात्रा इस दौरान 6 राज्यों से होकर गुजरेगी। यात्रा दल रोजाना 100 से 150 किलोमीटर साइकिलिंग करते हैं। उन्होंने बताया कि रास्ते में जागरूक लोगों द्वारा रुकने और भोजन की व्यवस्था की जाती है। यात्रा दल में लीडर रविंद्र तरीके के अलावा संदीप वैद, प्रसाद देशपांडे, श्रीकांत उके, विजय भास्कर तथा नामदेव राउत सहित 6 सदस्य शामिल है। इनकी साइकिल पर जल है तो कल है, खेलो कूदो साइकिल चलाओ ईंधन बचाओ जैसे विभिन्न प्रकार के स्लोगन भी लिखे थे। रिपोर्ट अमितेश कुमार, रवि चकिया, मोतिहारी। यात्रा का मकसद यह है कि पर्यावरण बचाओ और खेल से जुड़े रहो, ये संदेश हम द्वारका से अरुणाचल प्रदेश तक देते हुए जाएंगे। करीब करीब 7 राज्यों से हम प्रवेश करते हुए इसी का प्रचार प्रसार करते जा रहे हैं और पर्यावरण अच्छा रहे और खेल से जुड़े रहे तो अपन सेहतमंद रहेंगे, रोग मुक्त रहेंगे और अपना भारत देश हरा भरा रहेगा।